इंडिगो पेंट्स मार्च 2000 में कंपनी की शुरुआत हुई और डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट में देश की पांचवी सबसे बड़ी कंपनी है। 3 प्लांट है इनके, राजस्थान, केरल और तमिलनाडु में। मेटेलिक पेंट, फ्लोर कोट पेंट बनाने जैसे ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स सबसे पहले इसी कंपनी ने शुरुआत किए बनाने के लिहाज से। इंडिगो पेंट्स के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हेमंत जालान साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। और मार्च 2000 से ही, मतलब जब से कंपनी बनी है तब से आप बोर्ड में डायरेक्टर तो हैं ही, और उससे पहले AFF यानी एफ फर्ग्यूसन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो सब लोग इस कंपनी के नाम से वाकिफ हैं, उनमें कंसल्टेंट रह चुके हैं। 20 साल से ज्यादा का अनुभव आपका पेंट इंडस्ट्री का है। शिकागो यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया है आपने। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी साइंस में मास्टर्स की डिग्री ली है। IIT कानपुर से BTech की डिग्री। तो ढेर सारी डिग्रीज, ढेर सारी क्वालिफिकेशन, तगड़ा एक्सपीरियंस और उसके बाद इंडिगो पेंट्स के CMD। स्वागत है जालान साहब आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो डिमांड सिचुएशन बताएं सर इस वक्त। हम जो समझ रहे हैं कि रियल इस्टेट सेक्टर में बड़ी तेजी है, लोग घर बना भी रहे हैं, पुराने घर को रिपेयर भी करवा रहे हैं, पेंट भी करवा रहे हैं, होम फर्निशिंग का पूरा सेगमेंट भी जबरदस्त सेक्शन में। जरा आइडिया दें सर किस तरह की डिमांड है इस वक्त। आई थिंक अब डिमांड जो है वो लगभग नॉर्मल ही कहा जाए। करीब करीब पूरे भारतवर्ष में अब ये कोविड का सेकेंड वेव का प्रकोप लग रहा है कि चला गया है, और पेंट सेक्टर के अंदर में अच्छी खरीदारी देखने मिल रही है जैसा कि कोविड के पहले देखने मिलता था। तो डिमांड के अंदर में अब कोई हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रहा है। आई थिंक कि जैसा इंडस्ट्री का ग्रोथ था वो वापस आता दिख रहा है। ओके सर, अब फेस्टिव सीजन शुरू हो रहा है और पेंट्स कंपनियों के लिए तो दिवाली का वक्त मतलब गोल्डन पीरियड है हर साल, तो फेस्टिव सीजन को लेकर किस तरह का आउटलुक दिख रहा है सर? अच्छा होना चाहिए। ऐसे एक चीज ध्यान में रखिए कि जिसे हम लोग फेस्टिव सीजन कहते हैं, दिवाली का सीजन, ये भारतवर्ष के लगभग 50% हिस्से में ही लागू होता है, जो नॉर्दर्न इंडिया है, जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है, जहां दिवाली का विशेष महत्व रहता है। अगर आप 5 सदर्न स्टेट्स में जाएं, केरल, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु या उड़ीसा भी देखें या बंगाल भी देखें, तो वहां दिवाली की उतनी ज्यादा महत्वता नहीं है जितना कि बाकी हिंदी स्पीकिंग रीजन्स के अंदर में है। खैर कुछ भी कहें, दिवाली सीजन पेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीजन रहता है और मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी खरीदारी होनी चाहिए पेंट की, जैसा रुझान अभी दिख रहा है। अब कुछ निर्भर करता है कि बरसात का क्या रुख रहता है। सितंबर से धीरे धीरे बरसात की मात्रा कम होनी चाहिए, कुछ वर्षों में ऐसा नहीं भी होता है, तो मानसून का रुझान देखने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। बट अदरवाइज मुझे लग रहा है कि दिवाली सीजन अच्छी जानी चाहिए पेंट इंडस्ट्री। चलिए दिवाली सीजन बेहतर रहेगा। तो फिर दिवाली सीजन को देखते हुए, नए सीजन को देखते हुए कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने का इरादा रखते हैं सर आप? हाँ जी, कुछ नए प्रोडक्ट्स तो हैं हमारे तैयार, एकाध तो तैयार हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि 1.5 महीने में उसे लॉन्च करेंगे। कुछ और प्रोडक्ट्स हैं जिनकी एडवांस स्टेज में ट्रायल चल रही है, अगर वो ट्रायल सक्सेसफुल हुए तो हो सकता है कि जनवरी में कुछ और महत्वपूर्ण अद्भुत पेंट्स हम लोग बाजार में लाएंगे। तो हम लोगों की जो पास रिकॉर्ड रही है कि हम लोग जरा हट करके कुछ पेंट्स बनाते रहते हैं, वो क्रम मेरे समझ में जारी रहेगा इस साल भी और आगे भी। ओके अच्छा सर, एक और चीज, क्योंकि सीजन आपके सामने है, बड़ा सीजन है, लेकिन साथ ही एक तरफ डिमांड को देखते हुए प्राइस बढ़ाने वाला मामला है, दूसरी तरफ कच्चा तेल, जिसके साथ जनरली लिंक करते हैं कि कच्चे तेल के दाम गिरे, क्रूड के दाम गिरे तो पेंट कंपनियों को फायदा होगा, थोड़े नीचे आए भी हैं, तो किस तरह से रॉ मटेरियल कॉस्ट आपकी कम या ज्यादा हो रही है वो बताएं, मार्जिन्स क्या उसकी वजह से कुछ ऊपर नीचे हो रहे हैं, आगे किस तरह का आउटलुक है उसे देखकर बताएं सर। देखिए कच्चे तेल का लिंकेज जो पेंट के रॉ मटेरियल्स में है वो उतना ज्यादा नहीं है जितना कि अनुमान किया जाता है, कुछ लिंकेज बट उतना ज्यादा नहीं है। हम लोगों के रॉ मटेरियल प्राइसेस और चीजों पर डिपेंड करते हैं। इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ वेरियस मोनोमर्स, जिसे प्लास्टिक एक्रेलिक इमल्शंस बनते हैं, जो कि हमारा मेन रॉ मटेरियल रहता है, उसके दाम में बहुत बड़ा उछाल आया था पिछले साल दिसंबर जनवरी के आसपास। विश्व के कई प्लांट्स जो ये मोनोमर बनाते थे वो किसी न किसी कारण से बंद हो गए थे और इनके दाम करीब दुगने हो गए थे। उसके कारण
पेंट रॉ मटेरियल्स में एक बड़ा प्रभाव आया। कुछ टाइटेनियम डाइऑक्साइड के भी दाम बढ़े थे, कुछ हमारे पैकेजिंग मटेरियल्स के भी दाम बहुत बढ़े थे। तो इसलिए हम लोगों ने अपने पेंट के फिनिश प्रोडक्ट के दाम को धीरे धीरे नवंबर दिसंबर से ही बढ़ाना शुरू किया। अगर पूरी इंडस्ट्री की बात करें तो पूरी इंडस्ट्री ने पहली मई से एक जोर का इजाफा किया पेंट के दामों में। उसके बाद वो जून में भी हुआ, जुलाई में भी हुआ, और अब 1 सितंबर को फिर से एक बड़ा इजाफा होने जा रहा है पेंट के प्रोडक्ट्स के प्राइसेस में। तो अब ये जो 1 सितंबर को आने वाली जो प्राइस इंक्रीज है उसको अगर शामिल कर लें तो मेरे समझ में जितनी रॉ मटेरियल में बढ़त हुई थी उसको पेंट इंडस्ट्री ने पूरे के पूरे पास ऑन कर दिया है कंज्यूमर को। और पिछले 4-5 महीने में या 6 महीने में लोगों के ग्रोस मार्जिन में कुछ तो प्रभाव पड़ा था, बट मेरे समझ में अब आने वाले कम से कम 3rd quarter ऑनवर्ड्स आप देखिएगा कि ग्रोस मार्जिन पूरे पेंट इंडस्ट्री के वापस उसी लेवल पर आ जाएगी जो कि पहले थी। ठीक बात है। अच्छा सर, आपका एक्सपांशन प्लान ऑन ट्रैक है? जो आपने आईपीओ के वक्त बताया भी था कि 17 एकड़ जमीन है आपके पास तमिलनाडु में जिसपे नया प्लांट लगाएंगे, उस पर क्या स्टेटस है सर? बहुत जोर से काम चल रहा है, सिविल कंस्ट्रक्शन बहुत एडवांस स्टेज पर है। करीब 1-2 महीने का थोड़ा सा रुकावट हुआ था, पहले तो तमिलनाडु में इलेक्शंस आए, उसके बाद कोविड का ये जो सेकंड वेव का प्रहार हुआ उसके कारण 1-2 महीने तो थोड़े से काम में मंदी थी, बट अब बहुत जोर पे पकड़ी भी है। सारे मशीनरीज के हम लोग ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, कईयों के हो गए हैं, कई होते जा रहे हैं। हमारा अनुमान है कि अगस्त सितंबर 2022 में इस प्लांट को हम प्रोडक्शन में ले आए। बिल्कुल परफेक्ट है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए।